मित्रों, मैं एक और बात आपसे विशेष आग्रह कर रहा हूं, जो मैंने देखा है, कुछ अनुभव मुझे मेरे जो रहे हैं वो थोड़े कष्टप्रद रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं, जितने भी साथी हैं जो अभी रिट लगाए हुए हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो करते रहें, लेकिन ऐसा नहीं संदेश जाना चाहिए कि आप सभी लोग बटे हुए हैं, निवेशक बटे हुए हैं, एजेंट बटे हुए हैं, ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए। जो काम कर रहे हैं वो भी करें, जो लोग अभी करने के लिए आगे आए हैं उनके लिए भी सारे लोग खड़े हो जाएं। तो सभी लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो सब लोग इकट्ठा होकर के इसको आगे बढ़ाने के लिए साथ में आइए। आप सभी लोगों ने अभी घोषणा कर ही दी है, अब आपके साथ आने की जरूरत है और इस लड़ाई को हम आगे भी बढ़ाएंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले QR टीवी को दिल से नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। उन्होंने हमारी बात को अपने मंच पे रखने का मौका दिया। मेरा नाम सफी अहमद है और मैं दिल्ली से महासचिव के पद पे हूँ, और मैं सिर्फ इस मंच से एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली के जितने भी वासी हैं, मैं खुद सहारा में कार्य करता था, एज ए एजेंट में वर्किंग करता था। आज अगर हमें इस मंच के नीचे या संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर के नीचे अगर मुझे आना पड़ा तो किसी वजह से ही आना पड़ा। अगर सहारा के अभिभावक, जैसे कहते हैं ना, पारदर्शिता शीशा के आर पार दिखना चाहिए, अगर इस तरीके से पारदर्शिता एक कार्यकर्ता और अभिभावक के बीच में अगर होता तो मुझे शायद आज इस मंच पे नहीं आना होता, क्योंकि हर हमेशा बैठे हुए जितने भी अधिकारी थे उन सभी ने हर हमेशा हम सभी को बहुत गलत तरीके से मोटिवेट किया। आज हमारी मजबूरी है कि अपनी बात QR टीवी के चैनल के थ्रू रखना पड़ रहा है। अगर यही बात अभिभावक सुनते या समझते या जो कार्यकर्ता थे उनकी बातों को वो अपने लेवल तक अगर उसको सॉर्ट आउट करते तो आज इस तरीके की परिस्थिति नहीं होती। और मैं सबसे पहले दिल्ली के जितने भी, चाहे वो खाताधारी हो सहारा के, चाहे वो कार्यकर्ता हो सहारा के, जो आज सभी पीड़ित है, सहारा से सभी ग्रस्त हैं, हर चीज से ग्रस्त है, क्योंकि उनके पास ना तो पैसे हैं खाने के लिए, ना उनके पास पैसे हैं कहीं केस करने के लिए, लेकिन आज जो हमें एक मंच मिला है उस मंच के थ्रू हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट तक रख सकते हैं। आज हर तरफ से, हर जगह से सुप्रीम कोर्ट में PIL के लिए हर व्यक्ति जुड़ने के लिए तैयार है। दिल्ली के जितने भी जमाकर्ता हैं या कार्यकर्ता हैं उनसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप लोग हम सबके साथ जुड़ें, क्योंकि जब जुड़ेंगे तभी सहारा या सहारा के बैठे हुए जितने भी अधिकारी हैं उन्हें समझ में आएगा कि शायद हम गलत थे, और शायद गलत थे नहीं, गलत हैं। अगर वो गलत नहीं होते तो आज बहुत सारे हमारे बीच में साथी जो कार्यकर्ता थे दिल्ली के, आज वो इस दुनिया से जा चुके हैं, क्योंकि आज उन्हें पैसे नहीं मिल पाया सहारा के तरफ से, उनकी सैलरी नहीं मिल पाई, उनकी कमीशन नहीं मिल पाया, जिसमें से एक जीता जाता व्यक्ति मैं भी हूं। इस परिस्थिति में मैं खुद, तबीयत खराब हुआ, कमीशन कंपनी के तरफ से पे आउट नहीं हुआ, लॉकडाउन में घर चलाना हमारा बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, यहां तक कि घर चलाने के लिए छोटे भाइयों से मुझे पैसा लेना पड़ा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, जिस संस्था को हमने 20 साल काम करके दिया ईमानदारी से, पारदर्शिता से, जो ऊपर के अधिकारी ने कहा हमने वो अधिकारी की बात 100% सही मान के और हम लोगों ने काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन सभी ने हम लोगों पे फेद नहीं किया। आज आप सभी कार्यकर्ता से सिर्फ यही विनती है कि अभी भी किसी के बहकावे में ना आए, आप हम सबके साथ जुड़े और इस बैनर के नीचे आए कि अपना एक एक पैसा जो ईमानदारी पूर्वक जमा किया या कार्य जमाकर्ता से जमा करवाया, वो सभी पैसा एक एक रुपए उन्हें उनके हाथ में मिल जाए। आज हम लोग इसीलिए आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, खासकर दिल्ली के जितने भी व्यक्ति हैं
वो जुड़े हम लोगों के साथ। और मैं फिर से लास्ट में अपनी बात में यहीं पे खत्म करता हूं, और मैं QR टीवी को बहुत बहुत मैं दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरी बात इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से मेरी आवाज देश तक पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है या कर रहे हैं कि मेरी बात को सुने, और दिल्ली के व्यक्ति तो सबसे ज्यादा सुने, और वो सब जो अभी भी PIL में नहीं जुड़ पाए हैं, प्लीज आप लोग PIL में जुड़ें, अपना कागज जो हमारे दिल्ली के यहाँ जो ऑफिस है जहांगीरपुरी में, उस एड्रेस पे आप लोग कागज भेजें, या आप लोग खुद डॉक्यूमेंट लेके आप लोग हमारे पास जहांगीरपुरी ऑफिस में आ सकते हैं। हम लोग वहीं बैठते हैं, पूरी टीम वहां पे बैठती है, हर चीज का मंथन होता है। तो आप लोग आए, और मैं अपनी बात मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।